संपूर्ण पवित्रता की भविष्यवाणी, ऑस्ट्रेलिया से मिल। अब कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज्यादा है, रखती हुई आत्मा के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुश विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते, हर एक एक दो से प्यारा लगता। आप भी एक दो को इस विधि से देखते हैं। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद पिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी यह है, सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगी। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। आला में एक दो के संबंध में ब्राह्मण ही आएंगे, बाप तो रिटायर हो देखेंगे। इसलिए बाप से प्यार की सदा अनुभव। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं। अच्छा, फिर पार्टियों से मुलाकात है। सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो, विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषताएं दिखानी है। ऐसे स्मृति में सदा ऐसे विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है, समर्थ बना देती। विशेष स्थिति चाहिए बाबा कहते तो शक्तिशाली हो जाते। सदा ये विशेष शब्द याद रखना, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष, सोचना भी विशेष। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते, इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। दूसरी पॉइंट, सदा बाप और वर्से की स्थिति में रहते हो, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति, स्मृति कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर हो जाती। स्मृति सदा शक्तिशाली रहे, वह शक्तिशाली स्मृति है मैं बाप का और बाप मेरा। इसी स्मृति से स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। सदा स्मृति के ऊपर अटेंशन रहे, समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती, ऑफ करो तो प्यारा हो जाता, ऐसे ही ये स्मृति की एक स्विच है। स्मृति का स्विच अगर कमजोर है तो स्थिति भी कमजोर है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है। नया जन्म हुआ तो नई स्मृति हो, पुरानी स्मृति या सब समाप्त। इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते हो। तीसरा पॉइंट, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो, वरदान भूमि पर आना यह महान भाग्य। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल, इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे।
सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाले थके क्यों? बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती। बाप को याद करना अर्थात पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है? सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। जहां स्नेह होता है वहां याद न आवे यह हो नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी याद आता है। अच्छा, ओम शांति।